अपहरण हत्या बलात्कार, मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग, इन सुरागों के बिना पर मिलती है सजा, लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। अजमेर में शादी के एक महीने बाद पत्नी की हत्या, शव को बोरे में भरकर फेंक आया पति। रिटायर्ड दरोगा की बहू ने गोली मारकर की खुदकुशी। व्यापारी की पत्नी से तमंचे की नोक पर युवक ने किया दुष्कर्म। अब खबरें विस्तार से। अजमेर में शादी के एक महीने बाद पत्नी की हत्या, शव को बोरे में भरकर फेंक आया पति। अजमेर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने प्रेम विवाह के करीब एक महीने बाद ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, आरोपी शव को बोरे में भरकर फेंकने की फिराक में था। हालांकि पड़ोसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी पकड़ा गया। मृतक महिला की पहचान जेनिफर उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है और आरोपी की पति की पहचान 34 वर्षीय मुकेश के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों ने 29 अक्टूबर को एक दूसरे से प्रेम विवाह किया था। पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि घटना के कथित तौर पर दंपति के बीच झगड़े के दौरान हुई। अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रुपिंदर सिंह ने बताया कि सुबह 11 बजे के आसपास दंपति के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद पीड़िता ने अपने पिता पति को धमकी दी कि वह अपने माता पिता को उसकी जानकारी देगी, जिस पर आरोपी पति ने अपना आपा खो दिया और तेज धार वाले चाकू से जेनिफर पर कई वार किए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की लोकेशन डावर लेन में 4 की ट्रेस की। शुरू में आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने पत्नी का शव बोरे में भरकर पुष्कर इलाके में फेंका है, जिसे बाद में बरामद कर लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिटायर्ड दरोगा की बहू ने गोली मारकर की खुदकुशी, मायके वालों को हत्या का लगाया आरोप। एक महिला ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली, लेकिन उसके माता पिता का कहना है कि बेटी को प्रताड़ित किया जाता था और उसकी दहेज के लिए हत्या की गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रिटायर्ड दरोगा ने बहू ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जिस तमपंचे से उसने खुद को गोली मारकर मारी वह अवैध था। महिला का खून से लथपथ शव घर में मिला। हालांकि मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला अमरोहा के थाना नोगावा क्षेत्र में नया गांव का है, जहां पर विवाहिता ने अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रिटायर दरोगा की बहू ने आत्महत्या क्यों की इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन मृतक के परिवार वालों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप यह है कि बेटी को टॉर्चर किया जा रहा था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मायके वालों ने थाने में पहुंचकर ससुराल वालों पर केस दर्ज करने की मांग की है। अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि मंगलवार रात को सूचना मिली तो नया गाँव के एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। इस संबंध में तत्काल ही मैंने पुलिस बल और CO के साथ मौके का मुआयना किया। पूछताछ पर पता चला कि महिला देवीपुर देहात की रहने वाली थी। उसकी शादी नया गांव में हुई थी। शादी के 3 साल ही हुए थे। कमरे में एक हथियार भी बरामद हुआ है। बेहद करीब से गोली मारी गई है। पहले नजर में यह खुदकुशी का मामला लग रहा है। मजिस्ट्रेट द्वारा पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी की पत्नी से तमंचे की नोक पर युवक ने किया दुष्कर्म। घर में अकेली व्यापारी की पत्नी के साथ तमंचे की नोक पर एक पर दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बना लाखों रुपए की मांग की, जिससे आहत पीड़िता ने आरोपी युवक के खिलाफ कोतवाली पुलिस में दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। मोदहा कोतवाली क्षेत्र के नगर में एक व्यापारी की पत्नी ने कोतवाली मोदहा में एक तहरीर दी कि मंगलवार की रात वह अकेली घर में थी, तभी पड़ोसी गुड्डन ठाकुर पुत्र अरुण सिंह उसके घर में घुसाया और डरा धमका कर उसे तमंचे की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया और उसका अश्लील वीडियो बनाया। उसके बाद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपए की मांग करने लगा। उसने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है और
506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।